गढ़ गणेश जी मंदिर जयपुर के नाहरगढ़ और आमेर किले के बीच स्थित है। ये मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है और यहाँ भगवान की बाल स्वरूप में पूजा की जाती है, जो इसे और भी खास बनाती है। आज हम इसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये कौन सा रास्ता जा रहा है? और ये वाला रास्ता थोड़ा आसान है। इधर जाना है या इधर जाना है? ये तो खड़ी चढ़ाई लग रही है थोड़ी सी। अगर आप में स्टेमिना कम है तो आप यहाँ पे मत आइए। वो तो मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ इसलिए यहाँ पे चढ़ पा रहा हूँ। नहीं चढ़े ऊपर जाते जाते क्या हाल होगा? यहाँ पे आप अगर चढ़े तो बिल्कुल इसको पकड़ के ही चढ़े, क्योंकि आपका एक पैर स्लिप हुआ और आप सीधा नीचे खाई में। ये रही खाई। रास्ता भी आप देखिए इधर, रास्ता देखिए, रास्ता भी कितना स्लिपरी है। जैसे पत्थर पे पैर पड़ा ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है नाहरगढ़ फोर्ट। मंदिर तो खुला होगा ना? तो हाँ, तो शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये आखिरी की सीढ़ियां तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है भाई। इसकी हालत टाइट हो चुकी है इतनी सी सीढ़ियां चढ़ने में। क्या हुआ? यहाँ पे थे, वहाँ पे, उस वाले महल में। बस पहुँचने वाली ही है अब तो, फिर तो सीधी सीधी है। अभी चढ़ ही कहाँ है अपन, आधा किलोमीटर भी नहीं है। आजा आजा। चल चलते हैं यार। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है यहाँ से, ऐसे दिखे तो ऐसे नहीं दिखेगा पर यहाँ से दिखेगा। बहुत झंडे लगा रखे हैं कितने सारे। पहाड़ के बराबर में आने वाले हैं अपन, बाजू वाले देख इतने ऊपर आ गए अपन, पूरा पहाड़ चढ़ लिया अपन ने, मान ले। वहां से स्टार्ट हुए थे यहाँ पे आगे उतरने में, उतरेंगे जैसे ऐसी चढ़ाई पे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे और ऐसे फिसल लेंगे। यहाँ का व्यू मस्त आ रहा है। अब एक एक से एक दो और चढ़ लेता ना यार। अरे फिर से बैठ गया, मन कर रहा है सो जाऊं इधर ही थोड़ी देर, आधे घंटे। यहाँ पे एकदम स्लोप है, यहाँ से फिसलेंगे तो गिर सकते हैं सीधा, है ना? यहाँ से तो जा भी सकते हैं।
अरे दादा, चढ़ाई कम नहीं हो रही, बढ़ती हुई और दिख रही है। मेरे को लगा था यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगी। कैसा लग रहा है इतना ऊपर चढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये चैलेंज 7 दिन तक 7 बार चलेगा। चल ऊपर देखते हैं, कुछ खाने पीने का भी मिल जाएगा। ऊपर होगा क्या? एक कैंटीन तो लोग तो खड़े हैं। तो फाइनली हमने आधी चढ़ाई तो कर ली है। यहाँ से आप देख सकते हैं गणगणेश जी का मंदिर। तो देखो, थकान महसूस हो रही है क्या? थोड़ी थोड़ी धूप के कारण। अब थोड़ी सी चढ़ाई और। पैर तो कांपने लग गए हैं वैसे। इस चाय कॉफी लिख रखा है इधर। दुकान भी है, कुछ खाएगा क्या? सही है क्या रास्ता आने के लिए? ये वाला पैदल वाला है। अच्छा, मैं सामान लेके आया। अच्छा हाँ, सही है। यहाँ ये वाली तो बहुत खड़ी चढ़ाई है। मंदिर खुलने का समय 4 बजे का रहता है, लेकिन हम 3 बजे ही पहुंच गए थे, इसलिए हमने 1 घंटा वहां के अद्भुत नजारों का आनंद लिया और जयपुर शहर का खूबसूरत दृश्य देखकर समय का पता ही नहीं चला। अगर आप भी जल्दी पहुंचते हैं तो यहां बैठकर प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों का आनंद जरूर लें। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमने बिना किसी रिकॉर्डिंग के शांति से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि इस बार दूसरे रास्ते से वापस चलते हैं। ये रास्ता थोड़ा अलग और रोमांचक था, जहां से हमें पहाड़ियों और आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का शानदार नजारा देखने को मिला।